नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा लगता है कि ये केस ठीक होगा कि नहीं होगा। जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हों और मल्टीपल प्रॉब्लम भी ऐसी जहां सब डॉक्टर्स ने कह दिया हो कि ये ठीक नहीं हो सकता, जिसको देखने के बाद लगता हो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशंस जब लोगों की हो और उसके बाद आरोग्य पीठ आकर व्यक्ति ठीक हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, मुझे भी और उसको भी, जो लाइलाज था और बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो गया। ऐसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अजीब तरह की कहानी आपके सामने मैं बताना चाहूंगा और उसका पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं शराबी है, लगता है इसकी बातचीत नहीं आ रही है, और उसका कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिसकी गर्दन पूरी बाईं तरफ ऐसे ऐसे भागती है, कंट्रोल ही नहीं है। मात्र 5 दिन में 4-4 सिटिंग यानी 20 सिटिंग्स के बाद आज एक डिफरेंट परिवर्तन आपके सामने नजर आएगा। तो मैं कहूंगा वो खुद अपना परिचय कराएं, कहां से आए हैं, क्या तकलीफ थी, और आप देखिए आपके लिए ये केस मतलब दंग करने वाला होगा। बहुत अलग प्रकार का अनुभव आपको इनके लिए होगा। इसलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर किसी को ध्यान में आए तो निस्संदेह आरोग्य पीठ का नाम ले देना कि जाओ वहां तुम ठीक हो जाओगे, और इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर भी करना। जी मैं बात करूंगा। जी परिचय बताइए अपना और क्या है नाम है और कहां से आए हैं और कितना। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी मेरा नाम अख्तर शरीफ है, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। मैं और मेरी अहलिया तमिलनाडु से आए हैं। इसके पहले मैं निमहांस हॉस्पिटल में, मियाट हॉस्पिटल में अपने ये गले के दर्द के लिए, गले में रग जो है वो रग में बात करने तकलीफ होती थी, वो रग की वजह से बात करने नहीं होता था, रग में स्टफ होता था, बात करने नहीं होता था। ऐसे मौके पर मैंने अपनी बीवी से बहुत मरतबा बोलने पर वो यूट्यूब में देखे, यूट्यूब में इनका नाम और इनका पता और इनका एड्रेस देखकर हम यहाँ पर डेली आकर 5 दिन रुककर, डॉक्टर साहब बताए 1 महीना रुको बोले, तो हम बताए कि 5 दिन की ही रजा है हमको, 5 दिन में ठीक करो करके बोले। 5 दिन में जो लगभग 70% कम हो गया, इसकी वजह से हमको क्या बोल दिया 30% बकिया हम ऐसे ही घर में जाकर उल्टा जो इलाज करेंगे वैसे ही करके हम ठीक हो जाएंगे करके हम जा रहे हैं 5 दिन के बाद। और दूसरी बात यह है, और हमको रजा भी नहीं है, हम टीचर हैं और हम तमिलनाडु से आए हैं और हमको ज्यादा रजा नहीं है, और ज्यादा रजा लेंगे तो ज्यादा रजा लेना और ज्यादा यहाँ पर ठंड नहीं है जिससे अलग रहना मुश्किल है दूसरा। और दूसरी बात यह है कि मैं हर जैस पे आकर और भी थोड़ा यहाँ पर इलाज करेंगे, हमारा ख्याल है। यहाँ आने पर बहुत से फायदा हुआ हमको, ये हमको हमारा हमारी तरफ से ये बयान है हमारा नहीं, और ये हमें डॉक्टर साहब का ये शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमको अच्छी तरह से इलाज किया, अच्छी तरह से बताया क्या क्या इसमें फायदे हैं, बगैर इलाज के, बगैर मात्रे के, बगैर दवा के हमको इलाज किए, ये हमारे लिए बहुत बड़े शुभकामनाएं हैं और हमें यहाँ से खुशी से हम जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद है और ये हॉस्पिटल का भी धन्यवाद है। और मुझे ये भी ख्वाहिश है कि मैं हर डेज पे रजा मिली तो मैं आपको ट्रेनिंग लेना लेकर हम रिश्तेदार को हम ये इलाज करना करके मैं सोच रहा हूँ। अगरचे आपको भी ये इलाज करने का ख्वाहिश है तो आप भी आकर यहाँ पर इलाज कर सकते हैं, ये हम मेरी तरफ से राय है। जी अभी ये बहुत सारी चीजें भूल गए और मुझे चलने भी नहीं होता था, चलने में जरा लड़ रहा थे ज्यादा था, थोड़ा बैलेंस भी आया है 5 दिन में। और दूसरी बात है गले में बात हिलता था, क्या होता था झनकारे झटका लगता था, पाँव का झटका हल्का झटका लगता था, अब वो नहीं है, थोड़ा वो कम हो गया है सभी। और गर्दन 5 दिन के इलाज में ही लगभग बहुत कम हो गया है। हम फ्लैट क्या करना, हम फ्लैट बुक कर लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जाना है और रजा भी बहुत कम है, इसलिए हम 5 दिन में ही खत्म करके जाते हैं। बात करने बहुत तकलीफ थी मुझे
और बात करने बहुत अच्छा हुआ, पढ़ाने भी नहीं होता था, पढ़ा मैं एक टीचर हूँ और लिखने भी नहीं होता अच्छा, था लिख कर देखा। जब लिखता हूँ तो भी हाथ हजाता था और चलता हूँ तो भी जरा पाँव शेक होता था, उससे जरा कम है फंसे इलाज के इलाज भी करे ही और मैं अब अच्छे तरह से भी लिख सकता हूँ। लिख सकते हो जी, ये लिख कर भी बताता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। वाह, ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते थे, कमाल कर दिया, अभी तो बहुत प्रॉपर लिख रहे हैं आप। यहाँ अख्तर भाई ने जो कुछ चीजें शेयर की उनमें से उन्होंने कहा ये दर्द होता था यहाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक जो चीज थी ये कुछ खाते समय इनको दर्द होता था और नहीं भी खाए तब इनकी गर्दन किधर जाती थी? राइट से, केवल राइट में ही जाती थी, मतलब अगर इधर अभी जैसे मेरी तरफ देखो अभी देख रहे हैं, देखना संभव नहीं था, किधर भी देखें गर्दन राइट में ही जाती थी। कैसे जाती थी थोड़ा दिखाओ, ऐसे 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 ही जाता था ये गर्दन, ऐसे ही गर्दन जाता था। ये गर्दन का जाना ऐसे अनेक सारे इंजेक्शंस बोटॉक्स का वगैरह पता नहीं कौन कौन से लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं होता है ना, तो इनकी मैम साहब भी साथ में है और वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस इनके बारे में बताएंगी। बताइए क्या कहना है आपका? ये निमहास में जब इलाज किए थे तो डॉक्टर साहब ने कहा बोटॉक्स इंजेक्शन यहाँ पे डालना है, वो चंद दिनों के लिए डालना है, डाले तो 6 महीने ही फायदा होगा, 6 महीने के बाद फिर भी अगर वैसे बीमारी आ गई तो फिर भी वैसा ही इंजेक्शन डालना पड़ेगा। गर्दन ऐसे ऐसे जाती थी, ऐसे ऐसे गिर जाती थी, 10,000 नहीं सुनाई देता है, 10,000 रुपए की इंजेक्शन है वो जी, 10,000 रुपए का जब जब डालना पड़ेगा। हाँ, वैसा भी डाले तो 50% ही अच्छा होगा जी, 50% अच्छा होगा, 50% ही अच्छा होगा। ऐसे पास जब जब कभी भी आती है तो वैसा वो इंजेक्शन डालना पड़ेगा करके कहते थे, तो मैंने आचार्य जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत टीवी में फोन पे मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे इनके वीडियोस देखे, मेरे घर में तो बहुत सारे मेरे भाई बहन सब में से नाराज हैं क्या वैसा जाती है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ इलाज नहीं है क्या, वहाँ जाके कुछ करती है करके कहे, मैं बहुत सा उम्मीद लेकर यहाँ पर आ गई थी डॉक्टर साहब के पास। अच्छा, घर में सब लोग विरोध कर रहे थे? हाँ, वही वैसा ही कर रहे थे, मैं यूट्यूब पे देखा उसी के इसे मैंने उम्मीद करके यहाँ पर आई। आप ही लेकर आए? हाँ, मैं ही लेकर आई हूँ, मेरे जौहर पहली मर्तबा ये मेरी बात सुनकर आए हैं। ओह, कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये कहते हैं कि औरत की बात नहीं सुनना चाहिए, औरत की राय फिर नहीं लेना चाहिए करके कहते हैं। मैं बोलूंगा औरत की बात जरूर सुननी चाहिए, सुनकर फायदा हो तो करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक बात है। ये पहली मर्तबा मेरे आलिया आए हैं, इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि आचार्य जी को अल्लाह बहुत अच्छा रखे और है ना हमारे तरह के पेशेंटों को बहुत सारा इलाज करे। कोई बात नहीं, अभी अच्छे हो गए ये सबसे बड़ी बात है ना। आपका पहली बार कदम रहा और आपने अपने पति के लिए बहुत बड़ा काम करके दिखाया और आपने अपनी पत्नी की पहली बार बात मानी और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है ना। ये हमारे डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा चल के दिखाओ, बीच का भी हम धन्यवाद करते हैं हमारी तरफ से, शुक्रिया। अब थोड़ा चल के दिखाओ, थोड़ा यहाँ चल के दिखाओ, हाँ सामने, हाँ ये सब नहीं चलना होता था पहले, पहले चलते समय ये खांदा उठ जाता था, ऐसा कंधा उठ जाता था ऐसे चलते समय, हाँ। और बैलेंस बिगड़ के गिरने का हो जाता था, थोड़ा कंधा बराबर हो गया चलते समय जरा कंधा थोड़ा बराबर हो गया, मतलब कंधा उठता था और कंधा उठते समय ऐसे करना, क्योंकि गर्दन इधर जाती थी ना तो ऐसे होता था इनका बार बार, ऐसे हो जाता था, ऐसे ही रहूंगा तो अब थोड़ा ऐसा हो गया। अभी अभी अच्छा इलाज में अच्छा बहुत बढ़िया हो गया है, आइए बैठिए। तो ये इनका जो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है, प्लीज बैठिए, आज आंखों में आंसू आ गए इस बात को लेकर कि ऐसा पहली बार है, अच्छे हुए हैं, खुशी की बात ही अलग है कि जिसके बारे में ये सोच लिया हो कि पता नहीं जीवन अब कैसे जिएंगे, एक एक दिन बहुत मुश्किल से काटा जाता हो,
एक एक पल बड़ी मुश्किल से काटा जाता हो, इनके कष्ट को मैं भी समझ सकता हूं और जो संवेदनाएं रखते हैं वो सभी समझ सकते हैं कि जिसकी गर्दन हर समय ऐसी चलती हो, जिसका एक कदम चलना मुश्किल हो, जिसका हाथ से लिखना संभव नहीं हो, सारी बैंक खराब हो जाती है क्योंकि सबको सिग्नेचर चाहिए होते हैं। और डॉक्टर साहब जी, हर हमेशा के लिए बेल्ट डालना पड़ता था, हर हमेशा के लिए ये गले पर जो पट्टा डालना पड़ता था, गले में बेल्ट डालना पड़ता था, अब यहाँ से जब आए हैं तब से बेल्ट के बगैर रहते ही है, अच्छा। बेल्ट के नहीं रहना पड़ता, सारा दिन में कई मर्तबा निकाल दे तो भी शाम के बाद थोड़ी बहुत कुछ तब्दीलियां नजर आती थी, ऐसा गर्दन हलना, बातचीत में फर्क, हिलते थे ज्यादातर, बातचीत में फर्क थी, टायर्डनेस बहुत रहता था उनको, चिड़चिड़ाहट सी रहती थी, अब अल्लाह का फजल है कोई बेल्ट के बगैर ही यही यहाँ पर घूम लेकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये जैसा उन्होंने, मेरे पास नॉर्मली ऐसा रहता है, जैसा उन्होंने सोचा कि घर के बाकी सब लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? आजकल बहुत कॉमन, बड़ा फेक है, सोशल मीडिया पर भी अनेक प्रकार के लोग इस प्रकार का नाम ले लेकर के चीजें आती हैं, हम करेंगे, लेकिन जेन्युइन नहीं होती और इसीलिए व्यक्ति के मन में डाउट पैदा होता है। मुझे पता है इस प्रकार का डाउट पैदा होता है लोगों को, लेकिन ये उनको मैं बहुत थैंक्स करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने स्टेप लिया, और इनको भी थैंक्स करूंगा कि ये कभी इनकी बात नहीं मानते थे तो सारा घर और खुद उनके शौहर भी जो नहीं मानते थे, उन सब के बाद भी एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने चैलेंज लिया और यहाँ लेकर आई, इसीलिए तो मैं के महीने मानने के लिए इरादा किए हैं जी। और ऊपर वाले ने इनको बहुत अच्छा किया है, और अब आगे से हिम्मत देखिए, सीखने की बात भी कर रहे हैं, मैं खुद ही सीखूंगा और बाकी लोगों को सीखने के लिए भी प्रेरित करूंगा। ये है ही विज्ञान ऐसा जिसको सीख कर हम सब लोग लाइलाज रोगों का भी और जिनका इलाज हो सकता है उनका भी हम ठीक प्रकार से उनका उपचार कर सकते हैं। ये हमें बहुत बड़ी खुशी है, हमको भगवान का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इसीलिए उस ब्लेसिंग का हम जन सामान्य को फायदा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।